हमारा टाइटल क्या है? मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसका मोशन कैसा होगा, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इमेजिन करो आपके पास एक जगह है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस का मतलब समझ पा रहे हो ना, इनवर्ड्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, तो फिजिक्स में उसे क्रॉस से डिनोट किया जाता है। ठीक है आयुष, अब मानो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया, क्या इलेक्ट्रॉन या फिर कल तभी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, कंफ्यूजन ना करो, एक पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना, क्या एक पॉजिटिव चार्ज Q, वो इधर आया, चलो इधर ही समझ लेंगे, इस डायरेक्शन में गया। अब समझो ये ऐसा नहीं दोनों सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, ठीक है, और हमारा चार्ज किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, समझ पा रहे हो। तो हमने कल इतना पढ़ लिया था कि इस पर एक फोर्स एक्ट करेगी, और वो फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लगाते हैं भाई, लगाओ जरा किधर लगेगी फोर्स, इस पर लगाओ जल्दी, एफ बी, बी अंदर की तरफ है, आई ऊपर है, इधर किधर, इधर लेफ्ट, सुन पा रहे हो ना, उल्टा हो रहा है हाथ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एफ बी ठीक है, हाँ हाथ भी सही यूज करना, किधर आ रहा है, किधर आ रहा है मैग्नेट फोर्स, किधर लग रही है, हाँ इधर लग रही है, बिल्कुल सही, यानी कि इस पे एक फोर्स है जो कि इस दिशा में लग रही है, किस दिशा में, इस दिशा में, समझ पा रहे हो ना। तो ऑब्वियसली बात है चार्ज इधर जा रहे हैं और कोई इसे इधर खींच रहा है तो इधर ही मुड़ेगा ना, इधर फोर्स लगेगी, उल्टा थोड़ी देर मुड़ेगा। अब देखो मान लो ये मुड़ते हुए, अब मुड़ेगा तो कैसे, ये तो आगे तो जा रहा था और कोई धक्का दे रहा है तो टेढ़े में मुड़ेगा ना, जैसे कोई सीधा जा रहा था और मैंने रस्सी उस पर फेंके तो वो अब गोल हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो ये चार्ज लेट से ऐसे हो गया, ठीक है ना, अब इस पॉइंट पे आ गया, ओके। तो अब इसकी वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, समझ पा रहे हो ना। अब ये पार्टिकल यहाँ पे है, इस पर अब किस साइड पर फोर्स लगेगी, फिर से निकालो वही रूल से, फिर से फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल चुकी है ना, खुद से निकालो सब समझ आएगा, किधर एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है और करंट इधर है नीचे की तरफ, यानी कि जब पार्टिकल आपका यहाँ पे है तो उस पर एक फोर्स लग रही है किधर, नीचे की तरफ, तो अब ये इस तरफ मुड़ेगा नीचे की साइड ऐसे, अब यहाँ पे आ गया पार्टिकल, अब यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, अब यहाँ पे इधर किस तरह फोर्स लगेगा निकालो, आयुष बताएगा, बताओ, मैग्नेटिक तो अभी भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस क्रॉस है, अंदर की तरफ जा रही है बोर्ड के अंदर, और वेलोसिटी इधर है तो फोर्स किधर लगेगी, हाथ में तोड़ लेना अपना, घुमाते घुमाते कहीं वो हड्डी गायब हो गई, हाँ किधर आ रहा है, हाँ जल्दी हाथ से, गलत हाथ से करो ना, तुक्का नहीं मारना है, हाथ को अरेंज करो उसकी तरह, बी अंदर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखो एफ बी आई मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट नीचे है, तो थंब किधर है, इधर, तो फोर्स किधर लग रही है भाई, इस डायरेक्शन में, तो अब पार्टिकल फिर से मुड़ जाएगा, मतलब वो हर जगह ही लग रही है फोर्स, आ पा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं और यहीं लगी है, वो हर पॉइंट पे ही लग रही है, बस मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, अब इधर वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पे इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, सक्षम बताएगा, इस यहाँ पे अभी किधर किधर लगेगी, ऊपर, और फिर ये पार्टिकल दोबारा से अपना पाथ गोल गोल, मतलब पार्टिकल फंस गया है भाई, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो गोल गोल घूमता रह जाएगा वहां पे, तो एक तरह से देख पा रहे हो ये सर्कुलर मोशन बन गया, क्या सर्कुलर मोशन, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, एंड यू नो कि सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो यहाँ पे जो ये फोर्स लग रही है ना, इसे आप एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये फोर्स हमेशा किधर लग रही है, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। सो तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख सकते हैं। और आपके मोशन क्या है चार्ज पार्टिकल का, सर्कुलर। तब अगर आपका चार्ज पार्टिकल जो आया है वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी और ये ऊपर था। तो अभी जो हम मोशन जो कंसिडर कर रहे हैं, ये उस टाइप का मोशन कंसिडर कर रहे हैं जब चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर बनाता हुआ। तो उसका उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। क्या होगा, समझे ना क्यों हुआ, ठीक है ना। मुंह से बोलने की जगह आपने असली में देखा क्यों हुआ। अब सेम फोर्सेस उसमें बार बार लगती रहेंगी और वो घूमता रहेगा। अब एक चीज बताओ, क्या इसकी स्पीड चेंज होगी गोल गोल घूमने में, बताओ स्पीड चेंज होगी, रीजन बताओ। चलो गुलमीर टेल अस, स्पीड स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्लियर है ना। 11th में पढ़े हो आप लोग, साइंस के बच्चे हो, आर्ट्स वाले नहीं। तो साइंस स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता था बताओ। यस, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी और वेलोसिटी एक वेक्टर। तो स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो और आप सर्कुलर मोशन में प्यारे बच्चों आप पढ़ चुके हो पहले ही, क्या कि जो सर्कुलर मोशन होता है इसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, लेकिन डायरेक्शन हर पर बदल रही है। क्योंकि देखो अभी वेलोसिटी इधर था, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई, तो मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि स्पीड सेम है बट डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि वेलोसिटी बदल रही है। सिंपली बोले तो स्पीड सेम है, वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है ना। अच्छी लेवल की पढ़ाई करो, ठीक है ना। और वो वेलोसिटी बदल क्यों रही है, क्योंकि इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। क्या मार्कर क्या करना है, लो बहुत मोटा हो जाएगा, उससे अच्छा कोई दूसरा पेन यूज कर लेना, ठीक है, ओके क्लियर है बात। सो लेट्स राइट इट डाउन, इसमें फर्स्ट केस लिख के कर लो। देखो फर्स्ट केस जो हमने टाइटल डाला ना, इसके पानी पी लेना, किसी को पीना हो तो भूल गया तो मैं निकालना। ठीक है, लिख लो, when initial velocity is perpendicular to magnetic field, when initial velocity is perpendicular to magnetic field, when initial velocity is perpendicular to magnetic field, तो ये होगा, ठीक है, जो आपने देखा है, डायग्राम बनाना भी और लिखना भी ताकि खुद भी समझ जाए, ओके। तो देखो हम पहले ही पढ़ चुके थे, क्या इस केस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको याद है कि हमने फोर्स कल ही डराई फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था, क्यू वी वी साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, यही तो एंगल था वी और बी के, तो फॉर्म क्यू वी बी हो गया, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो फोर्स इतनी लग रही है क्यू वी बी, ओके। और आप देख रहे हो कि जो ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, इट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फिर लिख लेंगे, दिस फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। देयरफॉर आपको याद है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एमवी स्क्वायर अपॉन आर। 11th का है, अभी याद नहीं है तो याद ही रख लो, ठीक है ना, डायरेक्टली क्यू है चार्ज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ऑब्वियसली बात है ना, ये गोल गोल घूम रहा है तो ये कुछ आर रेडियस से घूम रहा होगा ना, सर्कल का रेडियस होगा। तो हमने जो अपना फोर्स था उसे हमने किसके इक्वल रख दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से अब हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या की रेडियस की, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप पे, ठीक है ना, कि एक चार्ज पार्टिकल गया इतनी मैग्नेटिक फील्ड में, बताओ उसका रेडियस कितना होगा जो मोशन का होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आर कैलकुलेट कर सकते हो, आर क्या आ जाएगा आप पे, एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी, एक वी से एक वी कट जाएगा तो बचेगा क्या, एम वी अपॉन क्यू बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो लिख, इसके नीचे लिखना, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ
टेक करते हैं, हाँ दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ दैट इज डन बाय द चार्ज, ठीक है ना। आ जाओ अजीत, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ मैं दोबारा बता देता हूँ, अजीत अभी आया है। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, कैसे रहेगा, दैट इज डन बाय द, या फिर दैट इज कहते हैं, हाँ दैट इज मूव्ड बाय द आवर चार्ज, ठीक है ना, या फिर दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ दैट हैज बीन मेड बाय द चार्ज, ठीक है, अंग्रेजी, चलो ठीक है। अजीत हमारा हर बार मेन पार्ट ऐसे मिस होता है ना, कहाँ पूरा आधा घंटा हो गया है, चार बज रहे हैं, हाँ अरे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से नहीं आ पा रहे क्या सर बताओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है मुझे पता है, हाँ तो सो तो बहुत जल्दी सो, 3 बजे छाता लेके 3 बजे से घर से निकल जाओ, अपने साथ एक बोतल भी रखो पानी की, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है आजकल, लू चल रही है, हाँ अरे तो 1वीं से 1वीं कट गया ना, ठीक है ओके। तो ये तो रेडियस आ गया हमारा सर्कुलर पाथ का, डेट इज कवर्ड बाय द चार्ज, ओके ओके। आप देखो मैं तुम्हारे से बता दूंगा जी, कोई नहीं चलो देखो इधर, पहले थोड़ा सा आगे देखो, फिर हमें निकालना है टाइम पीरियड, ऑब्वियसली बात है सर्कुलर मोशन है तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और कुछ टाइम पीरियड होगा, ठीक है ना। तो लेट्स से टाइम पीरियड, आप बच्चों प्यारे बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड एक तरह से टाइम है, तो किसी पाथ को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना फॉर्मूला। तो एक चीज़ समझो, जिसे डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर मारने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये 2πr, रेडियस r है तो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, समझ पा रहे हो अजीत, एक सर्कुलर मोशन करने में 2πr ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है इसकी, v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है ना, स्पीड मैग्नीट्यूड कह लो, तो t। तो अब यहाँ पे r की जगह वैल्यू हमने यहाँ पे जो निकाली है वो पुट कर देते हैं, जो यहाँ पे r है r की जगह ये पुट कर दो, क्या मिलेगा 2πmvqb, ठीक है ना, r की जगह अपॉन v, तो v से v कट गया, टाइम पीरियड कितना आ गया पे 2πm अपॉन qb, नहीं समझ आया, टाइम पीरियड के डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा एक चक्कर में 2πr, और स्पीड कितनी है v, r की जगह v वैल्यू डाल दी क्या mv अपॉन qb, तो r की जगह डालेंगे तो mv अपॉन qb आ गया, और नीचे का v का v था तो एक v से v कट गया, क्या बच गया 2πm अपॉन qb। सो ये है आपका टाइम पीरियड, यानी कि एक चक्कर मारने में इस चार्ज को इतना समय लगेगा। अब देखो स्पेशल चीज क्या है, ये जो टाइम पीरियड है, अब आप एक चीज बताओ, कोई पार्टिकल ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा तो आपको क्या लगता है वो कम टाइम में चक्कर मार लेगा ना, हाँ लगता है ना ऐसा, लेकिन इस एक्सप्रेशन में आपके देख रहे हो कहीं वेलोसिटी है क्या, नहीं है, तो अगर कोई दो डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी से भी ट्रेवल करे तो भी सेम टाइम में ही कवर कर लेगा, अगर चार्ज सेम है। देखो टाइम पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे, मास पे और चार्ज पे, मास है वो जो भी पार्टिकल है उसका और ये चार्ज, यानी कि सिंपली बोलते हैं सिर्फ चार्ज और मास पे डिपेंड करता है। तो अगर आप दो इलेक्ट्रॉन को भेजो और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज चल रहा हो और एक इलेक्ट्रॉन धीरे चल रहा हो, ध्यान रखो यही बात एग्जाम में आएंगी, फिर भी जो वो पाथ ट्रैवल करेंगे वो सेम टाइम में ट्रैवल, भले ही हमें लगेगा कि एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, समझ पा रहे हो, बट टाइम उन्हें सेम ही लगेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एक ज़्यादा स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, मतलब एक ज़्यादा स्पीड से आया और एक कम स्पीड से आया, लेकिन दोनों जो एक चक्कर लगाएंगे सेम टाइम में लगाएंगे, भले एक की स्पीड ज़्यादा हो, मैं लॉजिक भी बताऊंगा, बट अभी तो फार्मूला ही बता रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी पे वेलोसिटी कम हो या ज़्यादा हो टाइम पीरियड पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये देखो आर में है ना वेलोसिटी, अब देखो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका आर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 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 देखो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका आर ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए जो 2πr है, मतलब क्या बोलते हैं सिंपली बोल, ऐसा समझो कि जो कम स्पीड वाला पार्टिकल है वो कम, मतलब कम छोटा गोला घुमाएगा, और जो ज्यादा स्पीड वाला पार्टिकल है वो
ज़्यादा बड़ा घूमेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उतना ही इसको, ये तेज स्पीड में है तो इसे यहाँ से यहाँ तक मतलब टाइम बराबर लगेगा, लेकिन उतने देर में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। लॉजिक देख रहे हो ना, केक को छोटा, जैसे छोटे बच्चे की रेस है और एक बड़े की, तो दोनों सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, बट ये कम पाथ ट्रैवल कर रहा है और ये ज़्यादा पाथ। सिंपली बोले तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका रेडियस ज़्यादा होगा। हाँ, टाइम पीरियड होता ही एक चक्कर, टाइम पीरियड की डेफिनेशन तो पता ही होगी ना, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। उसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, क्यू बी अपॉन टू पाई एम। देख रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट, वेलोसिटी एंड रेडियस। मतलब रेडियस पे भी डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना, रेडियस कम हो या छोटा हो। इन एक लाइन लिख लो इसके नीचे, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन सी दैट, छोड़ो उतना भी मत लिखो, सीधे लिख लो कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस। हाँ, ज़्यादा लंबा कहानी क्यों लिखना है, हमें तो समझने से मतलब है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल। कमाल की चीज़ें, लगता नहीं है ऐसा होगा लेकिन ऐसे ही होता है, ठीक है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब मैं एक बार इसका रिव्यू करा रहा हूँ जो अभी हमने पूरा करा, ठीक है, एक बार दोबारा से देखो अच्छे से क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने हैं हर जगह। अजीत अब देखो बोर्ड पे फिर से, हाँ तो ऑब्वियसली बात है ना, चैप्टर कमाल का है, ठीक है ना। देखो लेकिन याला पार्ट जैसे जो कल कर रहे थे वो, क्योंकि कल जो अगर नहीं समझे थे तो आज उसी की अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, फोर्स का। देखो अजीत, आपको एक चीज़ पता है, कल हमने पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्रॉस क्रॉस क्या डिनोट करते हैं जरा बताओ जी, ये ब्लैक ब्लैक क्रॉस, पता है आपको क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं पता। देखो ये जो क्रॉस है इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड है। चाहे तो लिख लो, क्रॉस का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ है, ठीक है ना। हाँ, अगर कहीं पे ऐसे डॉट लिखा है, ऐसे गोला बने तो वो आउटवर्ड्स, ठीक है ना, याद रखना। तो ये लिख लो, ये क्रॉस क्या है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बोर्ड के अंदर जा रही है। तो समझो ये रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है, बोर्ड के अंदर जा रही है, और एक पार्टिकल है आपका, आपके पास एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जो कि वी वेलोसिटी से सीधा आ रहा था, ठीक है ना। ये वी वेलो, ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड है और ये वी पार्टिकल इधर आ रहा था, तो दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट केस हम वही कर रहे हैं कि जब आपका मोशन हम पढ़ रहे हैं चार्ज पार्टिकल का एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो v परपेंडिकुलर टू b, पहला केस हम कर रहे हैं कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक आपका सर्कुलर पाथ फ्लो करेगा, ठीक है ना, फॉलो करेगा। मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर जाएगा तो गोल गोल घूमने लग जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप ये वीडियो देखोगे घर जाके, ठीक है ना। इससे पहले हमने पूरा एक्सप्लेन करता, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ओके। तो इस चीज़ को दोबारा से देख लेना, इसीलिए रिकॉर्ड करता ताकि घर में जाके अच्छे से देख लो, ओके, देख लेना, कल क्लियर होना चाहिए, मैं पूछूंगा, ठीक है। क्लियर है तो सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम, आपको पता है कि कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रही है। तो हमने क्या करा, जो फोर्स थी क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 90 था तो फोर्स क्यू वी बी हो गई, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो क्यू वी बी को हमने किसके इक्वल रख दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल के फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r, याद रखना है, मतलब वहाँ जाके याद ही नहीं आ रहा एग्जाम में, ठीक है। फिर यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली, क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर और qv भी डिवाइड में चला गया, ठीक है ना, r इधर आ गया और एक v से एक v कट गया, तो रेडियस कितना आ गया, mv अपॉन qv। मतलब जो ये पार्टिकल है ये इसमें गोल गोल घूम रहा है, तो जो सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, समझ पा रहे हो, ओके। फिर हमने निकालना था कि एक गोल गोल तो घूम रहा है, बट ये किस कितने टाइम में एक पूरा चक्कर लगा लेगा और फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, ठीक है। तो उसके लिए हमने यूज़ करा सिंपल सा फॉर्मूला कि आपका जो ये पहले टाइम पीरियड है, कंफ्यूज मत हो जाना,
कैपिटल से 30 है, ठीक है ना। तो आपका जो टाइम पीरियड हमने यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूले से यूज़ करा, टाइम आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो हमने देख लिया कि एक पूरा चक्कर लगाने में इसका डिस्टेंस कितना कवर होगा, 2πr, क्योंकि सर्कल है, ठीक है जी। तो 2πr अपॉन स्पीड, और स्पीड क्या है, वी वेलोसिटी से चल रहा था, वी स्पीड से, ठीक है ना। तो 2πr अपॉन वी, तो हमने टाइम पीरियड के लिए क्या करा, आर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, चाहे तो 1, 2 लिख लेना कि ये 1 है इक्वेशन 1, और यहाँ पे हमने आर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में आपको पता रहे कैसे क्या हुआ, ये नहीं कि पता ही नहीं चल रहा कहाँ से क्या हुआ। नोट्स बनाते हुए सब नोट डाउन करा करो, ठीक है। हमने वहाँ से आर की वैल्यू यहाँ डाल दी, वरना बाद में समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया, ओके। फिर यहाँ से कट छट के हमारे पास वी से वी कट गया, ये आ गया टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm अपॉन QB, यानी कि एक राउंड मारने में इतना टाइम लगेगा। और हमें दिख रहा है कि ये जो टाइम पीरियड आया, ये इसमें ना वेलोसिटी है ना ही रेडियस है, तो अगर रेडियस ज़्यादा भी हो, बड़ा सर्कल भी हो, तो भी टाइम पे फर्क नहीं पड़ता, और किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है दूसरे पार्टिकल से तो भी टाइम पीरियड में सेम ही होगा, फर्क नहीं पड़ता। बस ये कंसिडरेशन है कि चार्ज और मास सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भेजें तो उनका सेम टाइम पीरियड नहीं होगा, क्योंकि उनका चार्ज तो सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है ना, समझे नहीं समझे, ओके। उसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। पता है टाइम पीरियड क्या बताती है कि एक चक्कर मारने में कितना समय लगा, फ्रीक्वेंसी आपको बताती है कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगा, उसका उल्टा है। तो ये आ गया, ओके, बढ़िया। तो इन फॉर्मूले का यूज़ करके हम काफ़ी कुछ करेंगे, लेकिन ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ठीक है ना, कि जब आपका चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये सबसे टॉप पे लिख लिया था ना, हाँ ठीक है, यस, ये उसी के लिए केस है, ठीक है ना। बस अब अगला केस करते हैं, यही सबसे ज़्यादा एक और केस अच्छा सा सोचने वाला, अब हम देखते हैं सेकंड केस। एक केस है आपका, अगर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑब्वियस ही बात है ना, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि आपका चार्ज भी इधर ही ट्रैवल कर रहा है, नहीं समझे, जिस डायरेक्शन में लोगे उसी डायरेक्शन में मानना पड़ेगा ना, क्या चीज बोलो, कौन किस तरफ जा रहा है, इधर इधर इधर, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा, क्या एंटी पैरेलल। वैसे दोनों में सेम ही रीजन आएगा, तो ये अलग केस पे डाल लो, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल, दोनों ही केस साथ में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही जैसा रिजल्ट आएगा। तो हम पहले ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों की पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है केस क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 जब क्या है पैरेलल है, लिख लो, पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि एंगल क्या होगा 0 मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QVB साइन थीटा, तो थीटा को 0 डालेंगे तो आपका फोर्स भी 0, तो लिख लो, इन दिस केस नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, इन दिस केस जो हमने कल भी देख लिया था, ठीक है ना, इन दिस केस नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, सो द पार्टिकल विल मूव विद इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, सो द पार्टिकल विल मूव विद इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी, ओरिजिनल वेलोसिटी मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा जैसा चल रहा था, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है ना। द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0, देयरफॉर इट विल मूव विद ओरिजिनल वेलोसिटी, मतलब जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, ओके, बढ़िया। और वही एंटी पैरेलल के केस में भी है, अगर ये वेलोसिटी डायग्राम बनाते रहना साथ में, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड उधर उधर ही इधर, ये क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी थीटा 180 डिग्री, और
यहाँ पे हम फिर से साइन 180 रीजन में डाल लेना, साइन 180 भी आपका जीरो ही होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, ठीक है ना। तो फोर्स फिर से जीरो हो जाएगी और सेम रीजन, सब कुछ सेम लिख लो। इन दिस केस ऑल्सो नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड द पार्टिकल मूव विद इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी, मतलब जैसा चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा चिल करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब अगला केस करना है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अभी आपने दो केस करा कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और यहाँ पे वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है। अब ऑब्वियसली बात है एक ही केस बचता है कि अगर 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल बना के जा रही हो, ना जीरो बना रही हो, ना 180 बना रही हो, ना 90 बना रही हो, कोई और एंगल बना रही हो 45, 50, 60, तो उस केस में क्या होगा, चलो देखते हैं। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। लिख लो, when initial velocity makes angle theta with magnetic field, when initial velocity makes angle theta with magnetic field, इसे समझना। देखो इसको पहले हम डायग्राम बनाते हैं फिर उसके थ्रू आप समझो। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सेस में, ठीक है ना, डायरेक्शन आपका एक्स वाई जेड दे देते हैं, ठीक है ना, थ्री एक्सेस से कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो आपने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सेस में ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप ये क्या कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और आप क्या कह रहे हो कि इसका वेलोसिटी कुछ थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है, मतलब ये तो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर और जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे जा रही है, पार्टिकल ऐसे आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, समझ पा रहे हो ना। ये ऐसा नहीं है कि उधर जा रहा है, ठीक है ना, इधर जा रहे है, ओके। तो इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके फिर से आप दो कॉम्पोनेंट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है और पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, हाँ मतलब ऐसे टेढ़े में, मतलब कुछ एंगल बनाते हुए, समझ रहे ना। अब इनके बीच में 90 नहीं है ना, ऐसे होता तो 90 हो जाता, ऐसे होता तो 0 हो जाता, ऐसे होता तो 180 हो जाता, इस बार क्या है टेढ़ा, ठीक है ना। वही तो हमने लिखा है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो इसके हम दो कॉम्पोनेंट कर सकते हैं। अब देखो ये वेलोसिटी ऐसी है थीटा बनाती हुई, तो कॉस थीटा इस तरफ हो जाएगा, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा इधर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका वी साइन थीटा इधर हो जाएगा, मतलब यहाँ से 90 डिग्री, समझ पा रहे हो ना, नहीं समझ पा रहे, अरे 90 डिग्री, ठीक है ना। और इस डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, ऐसे नहीं कर सकते। देखो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी फ्लेमिंग छोड़ो राइट हैंड रूल से, क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना, आई जे के ये सब पढ़ा था यूनिट वेक्टर क्लास 11th में, तो याद है आपको आई क्रॉस जे क्या पढ़ते थे, के, याद आ रहा है कोई, अरे अरे आई जे के वेक्टर्स याद तो आ रहा होगा कुछ कुछ। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई मतलब एक्स एक्सेस, जे मतलब वाई एक्सेस, तो के मतलब जेड एक्सेस। तो आई क्रॉस जे करो तो देखो एक्स वाई, एक्स क्रॉस वाई करेंगे तो जेड आनी चाहिए, तो अगर मैं x क्रॉस y कर रहा हूँ तो z आ रहा है ना, अगर मैं इधर y कर दूँ और उधर x कर दूँ तो x क्रॉस y z नीचे हो जाएगा, फिर ये माइनस z करना पड़ेगा, मतलब चीज़ें फिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, मतलब अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड नहीं, मतलब एक्स वाई जेड अपने हिसाब से चेंज करेंगे तो फिर सारी चीज़ें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपका ओके, इतना लिख लिया आपने। टाइम पीरियड और ये सारी चीज़ें, तो टाइम पीरियड तो वही आ जाएगा आपके पास। चलो देखो अब पहले चीज़ों को समझो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस बनता है। देखो आप लोग अब देखो एक चीज़ देखो, ये जो वी साइन थीटा कंपोनेंट है, वी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या एंगल बना रहे हैं, 90 वाला केस हम पढ़ चुके हैं, नहीं समझे, पढ़े ना अभी।
और वी कॉस थीटा क्या बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 0 डिग्री। ये केस भी हमने पढ़ लिया। तो ये जो केस है, ये जो हमने दो केस पढ़े उनका मिक्सचर है, ठीक है ना। तो समझो जो वी साइन थीटा वेलोसिटी है परपेंडिकुलर है, तो वी साइन थीटा वेलोसिटी गोल गोल घूमेगी, क्या गोल गोल घूमेगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और वी कॉस थीटा बी की सेम डायरेक्शन में, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वी कॉस थीटा ऊपर ही जाएगा। तो इमेजिन करो ये पाथ ना हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे, आपका जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे चलेगा। मतलब देखो वी साइन थीटा तो गोल गोल घुमाएगा, गोल गोल घुमा रहा है, मतलब वी साइन थीटा गोल गोल घुमा रहा है, लेकिन वी कॉस थीटा उसे ऊपर लेके जा रहा है, क्योंकि एक वी कॉस थीटा ऊपर की तरफ पहले से वेलोसिटी है, ठीक है। जैसे यही है, देखो समझ रहे हो, तो देखो दिस इज वन, यही है एक्चुअल में, ऐसा ही पाथ शो होगा, ठीक है ना। अगर आप पे कोई मतलब वो जो पाथ फॉलो करेगा ना, वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा। देखो तो ये है, ठीक है ना। तो देखो ये गोल गोल घूम रहा है, कौन सा कॉम्पोनेंट, वी साइन थीटा, गोल 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 गोल, लेकिन गोल गोल घूमने के साथ एक वी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है जो उसे ऊपर लेके जा रहा है, वरना ये एक ही जगह गोल गोल घूमता रहता अगर सिर्फ 90 डिग्री होता। बट गोल गोल घूम रहा है वी साइन थीटा की वजह से, और वी कॉस थीटा की वजह से वो ऊपर जाए जा रहा है। तो अगर वी कॉस थीटा नहीं होता तो वो एक ही जगह पे गोल गोल घूमता, बट क्या है वो गोल गोल घूम रहा है और उसे ऊपर धक्का दे रहा है वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट, तो घूमते घूमते ऐसे ऊपर ऊपर आता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे ये समझ पा रहे हो ना, देखो गोल घूम रहा है और ऊपर आ रहा है। सो दिस इज वॉट, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, हेलिकल, ठीक है ना। इसका कुछ और नाम भी होता है क्या, हेलिकल स्ट्रक्चर ही कहते हैं, ठीक है ना। लिख लो द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, द मोशन मतलब ये डायग्राम बना लेना पहले अच्छे से, ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब याला डायग्राम और याला डायग्राम, रुको मैं अच्छे से बना देता हूँ, मतलब बनेगा तो ऐसे ही बट थोड़ा बेटर तरीके से। ठीक है ना, जो v sin थीटा कॉम्पोनेंट गोल गोल घुमा रहा है और ऊपर लेके कौन जा रहा है, v cos थीटा। ये सारे शब्द हम लिखेंगे, मेन दिमाग में समझ आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मतलब हमें अच्छा लगता है कि आप जो करो समझ के करो, रादर देन कि बस लिख लिए और पढ़ाई हो गई। और 80% इंडिया अभी तो ऐसे ही पढ़ रहा है, ठीक है ना, कि लिख लिया और पढ़ाई हो गई। चलो तो इसमें लिख लो कुछ वर्ड्स, द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी हेलिकल, हेलिकल, HELICEL, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। अब इसमें कुछ वर्ड्स लिखो, क्या HELICEL, ठीक है। अब एक चीज लिखो, V sin theta component of initial velocity इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यह हमें दिख रहा है, ठीक है ना। सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो इट ट्रेसेस अ सर्कुलर पाथ, सो इट ट्रेसेस मतलब फॉलो करता है, या फिर इट ट्रेसेस या फॉलोस लिख सकते हो, इट ट्रेसेस अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। अब इसके नीचे लिखो बट वी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, बट वी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, वी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पैरेलल तो है मैग्नेटिक फील्ड के, सो नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, सो नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, सो इट डज नॉट चेंज। मतलब यही चीज हमने पहले लिखी थी, सो इट डज नॉट चेंज, मतलब वी कॉस थीटा में कोई चेंज नहीं होगा, हाँ मोस्ट ओरिजिनल वेलोसिटी। And because of these two things, the final path of the charged particle is helical.
इन दो चीजों की वजह से जो फाइनल पाथ है पार्टिकल का वो क्या है, हेलिकल है। जो हमने बताया उसी को हमने लिख लिया और नथिंग एल्स। आपको पता है मैं एग्जाम में कभी डेफिनेशन रट के नहीं जाता, क्योंकि समझ लो तो खुद से बन जाती है ना, जो याद नहीं हो रही वो बात अलग है कि कुछ रटना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को मत रटा करो। मैं कभी नहीं कहता कि डेफिनेशन याद करके जाओ, ठीक है ना, समझ के जाओ तो खुद से बना लो, लेकिन इतनी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए कि अपने मन को थॉट। सर्कुलर पाथ हो रहा है, साइन थीटा की वजह से सर्कुलर पाथ बन रहा है कि सर्कुलर क्यों है वो तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता देगा ना। देखो अगर ये देखो सिंपल बात है, अगर ये प्रोटो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, वो इधर जा रहा था, ठीक है ना, वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसका जो कंपोनेंट है इस तरफ आ गया, तो वेलोसिटी इस तरफ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स कैसे निकालोगे, एफ बी आई बी ऊपर आई उधर, तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है ना, तो जब इधर जाएगा, जब इधर चला जाएगा तो फोर्स उधर हो जाएगी, जब उधर हो जाएगा तो फोर्स इधर हो जाएगी, और वो गोल गोल गोल, समझ पा रहे हो ना। और यही चार्ज नीचे की तरफ होता तो ये ऐसे हो जाता, वही रूल्स वही रहेंगे। देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कुछ बेसिक लॉस पे बनती है जो फंडामेंटल है, ठीक है ना, इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, फंडामेंटल। फिर इन्हीं चीज़ों को पढ़ के हम बड़ी बड़ी मशीनें, अलग अलग तरह की मशीनें, जैसे देखो सिंपल सी बात बताऊँ, ये पंखा चल रहा है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो कर रहा है बिना हमसे पूछे, इसे आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसे पता है कि मेरा मैग्नेट इधर है, करंट इधर से जा रहा है, तो मेरे को इधर से घूमना है, वरना पंखा उल्टा घूमेगा, अगर करंट उल्टा कर दे तो पंखा उल्टा घूमेगा, ठीक है ना, मतलब उसमें सर्किट होते हैं कनेक्शन, लेकिन ऑब्वियसली बात है जो चल रहा है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो कर रहा है, समझ पा रहे हो, ओके। और वही जो आपका जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे चलता है, जनरेटर बिजली बनाता है ना, वो हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में, ठीक है ना, ओके। चलो तो ये कर लिया आपने, अब इसमें एक चीज लिखो, पिच क्या होती है, पिच लिखो, पिच पी आई टी सी एच, क्रिकेट में होती है ना पिच है, ठीक है लिखो, पिच इज द लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल, पिच पी आई टी सी एच, पिच इज द लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल, पिच इज द लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन। इस मोशन का भी टाइम पीरियड आपके पास वही आता है, 2πmq/q भी आया था ना हमारे पास, समझ पा रहे हो ना, तो ये एक चक्कर मारने में अभी भी उतना ही टाइम लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वी साइन थीटा पे वही सब कुछ एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में भी टाइम पीरियड आपके पास यही रहता है क्या, 2πm/q। और जब भी हमने लिखा पिच, ठीक है, पिच समझो क्या है, जैसे देखो जब इसने एक चक्कर मारा तो इसने एक ही जगह पर थोड़ी ना एक चक्कर मारा, जब इसने एक चक्कर मारा तो ये ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया ना थोड़ा सा, तो ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं पिच, जैसे कि जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, सर्कुलर डिस्टेंस नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस। देखो अगर मैं करूँ यहाँ से लेके एक चक्कर मारा तो ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, एक रोटेशन, समझ पा रहे हो ना, तो इसके बीच में जो गैप दिख रहा है ना ये पिच है, मतलब एक रोटेशन में उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो एक रोटेशन में ये यहाँ से स्टार्ट करके घूम के जैसे सीढ़ियाँ होती हैं तो यहाँ पे पहुँच गया ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच का हाइट का गैप कितना, इतना, समझ पा रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, पिच है। अब इसे निकालेंगे कैसे, देखो ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, और एक चक्कर मारने में टाइम कितना लगा, 2πm/q, तो जो पिच आएगी लीनियर पिच, जो लीनियर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा, और टाइम कितना है, 2πm/q, तो वो ये डिस्टेंस मिल जाएगी हमें, ठीक है ना, दिमाग में सेट हो रहा है पिच क्या होता है, इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन वन रोटेशन, एक चक्कर मारने में जितना ऊपर आ गया वो, क्लियर है दिमाग में, बढ़िया, इसीलिए मैं ये मंगवाया था मैंने अमेजोन से, काम आएगा बहुत सोचा था, ठीक है ना, बहुत काम आता है, वेव्स बताने में भी काम आता है जब पढ़ोगे आप लोग, अब तो 11th में रह गया, चलो ठीक है, 2πm/q, ओके। तो अब यहाँ पे हमने जो अभी पिच की बात करी थी, पिच की डेफिनेशन तो लिख लिया आपने, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन रोटेशन, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड, वी पैरेलल इनटू
टाइम पीरियड, समझ पा रहे हो ना? तो v पैरेलल कितना है, v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से क्या मिल गया आपके फॉर्मूले में, देखो यही तो आ गया हमारे पास, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। तो अब आप इससे आप अपना पिच भी निकाल सकते हो, यहाँ पे एरो में भी शो कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, पिच। लिख लो वहीं पे ताकि याद रहेगा। एक सिलेबस से डिलीट है बट मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, साइक्लोट्रॉन होता है, ठीक है ना? तो आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या होता है, होता क्या है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बट आपको एक आइडिया तो होगा क्या होता है। किसका किसका नहीं, पिच तो एक वर्ड है, कौन सा, ये हिस्सा। देखो हमने क्या बताया, पिच क्या है, लीनियर डिस्टेंस। हाँ, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी, मतलब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस ऐसे निकालते हो ना जितनी स्पीड हो और कितना समय लगा। अगर कोई 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 सेकंड बाद 5 × 10 = 50 मीटर चला होगा। उसी तरह ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, और एक चक्कर मारने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम पीरियड इतना। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर मारने में ऊपर की तरफ, वेलोसिटी इंटू टाइम। बस वेलोसिटी और टाइम बड़े अजीब से लग रहे हैं आप, ठीक है ना? देखो पढ़ोगे तो सब आसान है, जबकि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इसका, बच्चे समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि चीज़ों को जितना इजी से इजी करके दिमाग में सेट हो जाए। आयुष आपको समझ आ रहा है, तब बढ़िया। अजीत आर यू गेटिंग इट, आपका सक्षम भेजे में जा रहा है, ठीक है। रिया, गुलमीर, ठीक है, बढ़िया। इतना कर लिया ना आपने, मेन चीज़ यही थी। अब एक टाइटल डालो, साइक्लोट्रॉन, CYCLOTRON, ठीक है। जिनको छोड़ना है थोड़ा सा स्किप कर लेना, 2-3 मिनट, ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना? साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन में आप लिख लो, इट इज़ अ डिवाइस विच इज क्या, किसको क्या, हाँ लिखो थोड़ा सा, चलो। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू एक्सलरेट, चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन्स अल्फा पार्टिकल्स ड्यूट्रॉन, DEUTRON ड्यूट्रॉन, टू वेरी हाई स्पीड्स एंड वेरी हाई एनर्जीज, ठीक है। तो देखो बस इतना ही समझ लो, अभी आप क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह थोड़ा समझो, मतलब अब लिखना मत, मैं बस बता रहा हूँ आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए एक्चुअल में किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये सब आता था पहले, और न्यूमेरिकल। साइक्लोट्रॉन अब यूज़ नहीं होता, पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। ये डीज कहलाते हैं साइक्लोट्रॉन के, क्या, डीज। और यहाँ पे क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आपको पता है क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है तो वो स्पीड बढ़ती है, ठीक है ना? लेकिन अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ानी है तो मैं ऐसा, मतलब सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन की, ऐसा थोड़ी ना कि मैं बहुत ही लंबी टनल बनाऊंगा जहाँ पे स्पीड बढ़ती जाएगी। मैं चाहता हूँ कम ही एरिया में उसकी स्पीड बार बार बढ़ जाए। तो क्या होगा, हम अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भेजा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी आगे की तरफ सीधा, तो तेज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक। और आपको पता है कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगी तो ये गोल घूमेगा, है ना? फिर यहाँ पे आएगा, मतलब। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, अभी पढ़ा ना, स्पीड नहीं बढ़ती है सर्कुलर मोशन में, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। तो ये गोल घूम जाएगा, फिर जब ये यहाँ से आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर वो स्पीड बढ़ाएगा, फिर ये इधर से आके गोल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, फिर यहाँ से जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बढ़ेगा, मतलब वो जब भी यहाँ पे आएगा वो तेज होता जाएगा। और ऐसे ही इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ से मतलब बहुत ही तेजी से गोल गोल घूमने लग जाएगा, और फिर बहुत तेजी से घूम, हाँ ठीक है ना? बस वही कि एक्सलरेट करने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किसका काम कर रही है, उसे सर्कुलर मोशन में रखने का। तो उतने से ही एरिया में स्पीड बढ़ती चली, हाँ एप्लीकेशन ये। अब जो चार्ज को हमने बहुत तेजी से घुमा दिया, वो बहुत तेज वेलोसिटी में है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फिर हम क्या करेंगे, एक मोमेंट पे यहाँ पे विंडो भी होती है, ठीक है ना? मतलब जब हम खोल, जब बहुत तेज स्पीड हो जाती है तो यहाँ पे विंडो होती है, हम इसको ओपन करते हैं तो चार्ज अपने बाहर निकलता है, ठीक है ना? और यहाँ पे हमारे पास टारगेट होते हैं, मतलब एक्चुअल में इसका पार्टिकल फिजिक्स में यूज़ किया जाता है ठोकने के लिए,
जैसे हम लोग नहीं होता डिस्क को गोल गोल घुमा के ऐसे फेंकते हैं कितनी दूर तक जाएगी, साइंटिस्ट लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं और फिर यहाँ पे दूसरे एटम्स पार्टिकल्स रखे होते हैं उसमें ठोकते हैं और फिर देखते हैं कि ठोके तो बना क्या। हाँ समझ पा रहे हो, मैं यही तो है। और ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी काम आता है, जो आपने रेडिएशन मतलब पहले आता है रेडिएशन थेरेपी देखी आपने, मतलब कैंसर में क्या होता है रेडिएशन थेरेपी मतलब नहीं कीमोथेरेपी होता है केमिकल से, ठीक है ना, रेडियोथेरेपी कह लो, कीमो मतलब केमिकल का यूज, ये क्या होता है रेडिएशन में क्या होता है रेडिएशन डालते हैं आपके सेल्स के ऊपर ताकि सेल्स मर जाएं कैंसरस सेल। तो ऐसा समझो कि चार्ज पार्टिकल है वो उसके हाथ पे डालेंगे ताकि उसके हाथ के सेल्स मर जाए। एक्सरे में होता है ऐसा ही है, एक्सरे में होता है ऐसा ही है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स को मतलब क्या होता है बहुत ही हाई एनर्जी तक चार्ज किया जाता है, देखते हैं ना सिलेंडर होता है और फिर जैसे स्विच ऑन करते हैं सारी तेज से आती है। बिल्कुल ऑब्वियस, आपको पता है देखो जनरली सब पता नहीं चलता लेकिन आपको पता है एक एक्सरे कराने से लगभग 27 या कुछ इसके पास परसेंटेज बढ़ जाती है कैंसर होने की। तो ये कोई मजे वाली देखते हो ना, जो लोग करते हैं वो लोग साइड में आके रूम में आके फिर एक्सरे करते हैं जो मशीन ऑपरेटर होते हैं, तो देखो ये मजे की चीज़ नहीं होती है। तो आप जैसे देखो जो लोग सीटी स्कैन और ये सब करते हैं ये सब इमरजेंसी में ही करना चाहिए, मजे के लिए नहीं, क्योंकि इससे कैंसर का खतरा, लोग कोई कैंसर के लिए चेक कराने के और उल्टा इसकी वजह से कैंसर हो गया, उसे चेक कराने की वजह से कैंसर हो गया ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर लोग जब तक रेकमेंड नहीं करते तब तक बहुत सीरियस ना हो, मतलब कि उसका फ़ायदा उसके नुकसान से ज़्यादा होना चाहिए, समझ पा रहे हो ना। जैसे आपके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अब उसका उपाय है कि एक ऑर्गन को निकाल दो, तो उससे बेटर है कि वो ऑर्गन ना निकालें, थोड़ा सा दर्द सहलो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। सो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, नमस्ते मैम, अरे ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है ना, कि जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा ये अच्छे से समझना हर चीज़ को और फिर इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस कर लोगे, ओके ना, जो भी इसमें मैं सेंड करूँगा। तो आज का ये टॉपिक है, अभी आपका मंडे ट्यूसडे को कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, चैप्टर सिर्फ थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं। ओके सो दैट्स फॉर टुडे, चीज़ों को समझो अच्छे से।